नमस्कार। हिमाचल अभी.com से मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। एक बार पास हुआ टेट, अब उम्र भर के लिए रहेगा मान्य। एनसीटीई ने किया बड़ा बदलाव। 27 अक्टूबर मंगलवार को सीएम जयराम ठाकुर ले सकते हैं कैबिनेट की बैठक। हिमाचल प्रदेश से अब तक कोरोना वायरस के 117 नए मामले, 91 हुए ठीक, 4 की गई जान। शिमला कालका हेरिटेज ट्रैक पर आज 7 महीने बाद स्पेशल ट्रेन पहुंची शिमला, नहीं मिली कोई भी सवारी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, अटल के जन्मदिन पर बदलेगा लुहणू खेल परिसर का नाम। हाई कोर्ट के फैसले के बाद छलका शांता कुमार का दर्द, बोले अपनों ने ही रची थी साजिश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थन में आए कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य। सुंदरनगर से नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी वृद्ध ने आत्महत्या की। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। एक बार पास हुआ टेट, अब उम्र भर के लिए रहेगा मान्य। शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे प्रदेश के लाखों उम्मीदवारों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। अब एक बार पास हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा उम्र भर के लिए मान्य रहेगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़ा बदलाव कर दिया है। अभी तक 7 वर्ष के लिए ही टेट पास उम्मीदवार नौकरी के लिए पात्र थे। केंद्र सरकार से मिली छूट के बाद अब बार बार टेट पास नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को उम्र भर के लिए मान्य कर दिया है। अब तक टेट पास करने पर उम्मीदवार 7 वर्ष तक नौकरी के लिए पात्र होता था, उसके बाद उसे शिक्षक बनने के लिए दोबारा परीक्षा देनी पड़ती थी। एनसीटीई द्वारा नियमों में किया गया बदलाव केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों में भी लागू होगा। कोरोना महामारी को मात दे चुके सीएम जयराम ठाकुर 26 अक्टूबर सोमवार को राज्य सचिवालय लौटेंगे। डॉक्टरों की सलाह के बाद आगामी दिनों में वह आराम करेंगे। 27 अक्टूबर मंगलवार को वह कैबिनेट की बैठक ले सकते हैं। कैबिनेट बैठक के बारे में जल्द मंत्रियों को भी अवगत करवाया जाएगा। कैबिनेट 10:30 बजे शुरू हो सकती है, हालांकि अभी बैठक के बारे में फाइनल नहीं है। बैठक आगे टल भी सकती है। इस बैठक में प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति और अन्य तमाम मामलों पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओकओवर शिमला में ही अपने कार्यालय से कुछ फाइलें मंगवाई। पिछले लंबे वक्त से सीएम कार्यालयों में फाइलों के ढेर लग गए थे, मुख्यमंत्री ने फाइलें ओकओवर में ही निपटाई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रदेश से अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 117 नए मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में मामलों की संख्या बढ़कर 19,474 हो गई है। वहीं आज के दिन अब तक 91 मरीजों की रिकवरी संभव हुई है, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 16,548 हो गया है। प्रदेश में इस वक्त 2,620 एक्टिव मामले मौजूद हैं। आज के दिन इस गंभीर महामारी के चलते प्रदेश में 4 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
ऐतिहासिक शिमला कालका हेरिटेज ट्रैक पर आज 7 महीने बाद स्पेशल ट्रेन चलाई गई। ये स्पेशल ट्रेन कालका से 11:10 पर शिमला के लिए रवाना हुई। करीब 6 घंटे का सफर तय करने के बाद ट्रेन 5:30 शिमला पहुंची। हालांकि बुधवार को इस ट्रेन में 3 लोगों ने बुकिंग करवाई थी, लेकिन किसी वजह से ये लोग भी इस ट्रेन में सफर न कर पाए। इस तरह से खाली ट्रेन ही शिमला पहुंची। इस ट्रेन का शुरू होना पर्यटकों के लिए बड़ी राहत की बात है। पर्यटकों को हिमाचल की वादियों का दीदार करवाने के लिए रेलवे बोर्ड ने कालका से शिमला रेल मार्ग पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। ट्रेन 22 अक्टूबर को शिमला से कालका के लिए चलेगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लुहणू खेल परिसर, जो अभी देखने में बिखरा हुआ सा लगता है, उसको नया रूप दिया जाएगा ताकि बाहर से आने वालों के समक्ष अच्छी छवि पेश हो। अब इसका नाम भी पूर्व पीएम के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी खेल परिसर कर देना चाहिए। कोठी चौक पर जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ने कहा कि जब बीसीसीआई क्रिकेट रिकॉर्ड में भी नाम लेते थे तो लुहणू क्रिकेट ग्राउंड कहा जाता है, इसीलिए अब ऐसा लगता है कि लुहणू खेल परिसर की जगह अब इसका नाम अटल के नाम से कर देना चाहिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने विवेकानंद संस्थान के खिलाफ दायर की गई याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को संस्थान के हक में बड़ा फैसला बताया है, लेकिन उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि जनहित याचिका में उन्हें बदनाम करने की साजिश अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों ने की है। उन्होंने नाम के लिए बिना आगाह किए कि आने वाले समय में उनका भंडाफोड़ किया जाएगा। शांता कुमार ने कहा 8 साल तक चले इस केस में उन्हें काफी मानसिक पीड़ा पहुंची है, लेकिन सबसे बड़ी मानसिक पीड़ा यही रही कि हमारी पार्टी के कुछ नेताओं ने दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाकर शांता कुमार को बदनाम करने का असफल प्रयास किया। प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्र हित की मांग उठाने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह का साथ मिला है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ हुए दुर्व्यवहार की कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने निंदा की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि वे छात्रों की आवाज को दबने नहीं देंगे। उन्होंने छात्रों की मांग को जायज ठहराते हुए कहा है कि छात्र हित की आवाज वे प्रदेश विधानसभा के अंदर व विश्वविद्यालय में जाकर भी उठाएंगे, और कहा विश्वविद्यालय जो कभी देश के अन्य विश्वविद्यालयों से ऊपर अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए जाना जाता था, उसकी आज साख गिरती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज विश्वविद्यालय में योग्यता को दरकिनार किया जा रहा है। प्रदेश विश्वविद्यालय में नाभा या नागपुर के आदेश चल रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुंदरनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी वृद्ध ने आत्महत्या कर ली है। मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर के बीबीएम कॉलोनी में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसके बाद नाबालिग के पिता ने आरोपी वृद्ध के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। गिरफ्तारी के बाद वृद्ध रिहा कर दिया गया। इस पूरे मामले में बदनामी सहन न कर पाने के बाद वृद्ध ने खुदकुशी का कदम उठाया और अपनी जान दे दी। वृद्ध ने कमरे में सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वह यह कदम अपनी मर्जी से उठा रहा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है। समाचार समाप्त हुए। कल फिर मिलेंगे आपसे हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई प्रमुख खबरें लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।